भोजपुरी फिल्मों से जुड़ी चटपटी और मसालेदार खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल भोजपुरी फिल्मी तड़का को अभी सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़ी किसी भी वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जन्माष्टमी पर वायरल हुआ भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव का सुपरहिट गाना मुरली के धुन सुन के देश भर में जन्माष्टमी की धूम मची है। ऐसे में भला भोजपुरी इंडस्ट्री पीछे कैसे रहती। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने जन्माष्टमी के मौके पर कान्हा से जुड़ा पॉपुलर सॉन्ग मुरली के धुन सुन के गीत गाया है, जो इंटरनेट पर खूब सराहा जा रहा है। यूं तो खेसारी लाल काजल राघवानी के साथ अपने सेंसेशन गानों और डांस के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, लेकिन कान्हा के जन्मदिन के मौके पर उन्हें भी कान्हा की धुन लगी और उन्होंने अपनी सुरीली आवाज में ये गाना गाया है, जिसे खूब पसंद किया जा रहा है। खेसारी लाल यादव का यह गाना नया नहीं है, वो इसे पहले गा चुके हैं, लेकिन जन्माष्टमी के मौके पर भोजपुरी फैंस इस बार इस गाने को बार बार सुन रहे हैं, इसी कारण ये वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया में ये गाना तेजी से वायरल हो रहा है। भोजपुरी फैंस के साथ साथ अन्य भाषाओं के यूजर भी इसे पसंद कर रहे हैं। गाने की बात करें तो इस गाने में खेसारी लाल यादव के साथ पामेला जैन और खुशबू जैन ने भी अपनी खूबसूरत आवाज दी है। खास बात यह है कि इस गाने में खुद खेसारी लाल यादव मुरली बजाते दिख रहे हैं, जिससे उनके फैंस में खासा उत्साह भर गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने गजब का डांस भी किया है। गाने के बोल प्यारे लाल यादव ने लिखे हैं। भोजपुरी फिल्मों के हर एक अपडेट्स जानने के लिए स्टे कनेक्टेड विद भोजपुरी फिल्मी तड़का।